देखो दोस्तों देखो, जब तक जिंदगी में मोटी इस नेशन में रिसेशन कभी नहीं आ सकता, लेकिन आजकल इंटरनेट पे मोटिवेशन के नाम पे जो इरिटेशन फैलाया जा रहा है उसे देखकर लग रहा है हमारा युवा पीढ़ी सफोकेशन में जाएगा, सफोकेशन से डिग्रेडेशन के रास्ते पे चले जाएगा। क्या चल रहा है इस महेश केजवाला AKA थगेश। आज हम लोग बात करने वाले एक पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर कुलदीप सिंघानिया की। अगर इसका इंस्टा बायो देखे, एक्टर, अच्छा पार्ट टाइम एक्टर भी है, इन्फ्लुएंसर, वो तो ठीक है सभी होते हैं, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं, एंटरप्रेन्योर, बेसिकली उसने सब पार्ट टाइम काम करता है, बर्तन साफ करना, पानी भरना, जिसे ये क्वालिफाइड है यूट्यूब पे मोटिवेशन देने के लिए। कुलदीप सिंघानिया इतना ज्ञान देते ना, जितना यूट्यूब शॉर्ट छपरी रीलर लोग को रीच देते। मैं नहीं, बहुत तकलीफ होती है, प्रॉब्लम सिर्फ है कि किसी ने इससे कोई ज्ञान मांगा ही नहीं। सुबह सुबह किसी के बेडरूम में आके शोर मचाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? Exactly. जब हम ऐसे सुबह सुबह इतने सारे लोगों को अपने बेडरूम में नहीं घुसाते, तो फिर ये सुबह सुबह फोन चला के दुनिया भर के लोगों को अपने दिमाग में क्यों घुसा लेते हैं? वो सब छोड़, तू यहाँ कैसे घुस गया? ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बाद ऑनलाइन मोटिवेशन डिलीवरी भी हो रहा है क्या? नमस्कार। किसके भी बेडरूम में घुस के मोटिवेशन दे रहा है? अब एकदम से कोई आपके घर में घुसते ही बोले यार ये चैनल, तो जैसे ही वो एंटर हुए उन्होंने एंटर होते ही बोला यार ये क्रिकेट हटा दे। अब एकदम से कोई आपके घर में घुसते ही बोले यार ये चैनल हटा दे, वो भी गुस्से में। उन्होंने कहा मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, सोचा जॉब के साथ ट्राई कर लेंगे, लेकिन जॉब के साथ तो 1% टाइम नहीं। फिर घर तो आपको क्रिकेट से नफरत क्यों है? एक खिंचा के चाटा मार के गया और पता है क्या बोला? तू हमेशा सही समय का इंतजार ही करता रह गया। गाइस द पॉइंट बीइंग, गाइस डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था कैसे। भाई रुक जा, ये सांस तो ले नहीं रहा, आंखें भी ब्लिंक नहीं कर रहे। जैसे लोगों को दौरे पड़ते हैं ना, कुलदीप भाई को मोटिवेशन देने के दौरे पड़ रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल दौरे ट्रीटमेंट कराने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन देने के दौरे समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। करेक्ट है, मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूँ तुम्हारे वीडियो, सोच रहा है ट्राई करते करते कुछ टाइम बाद कंटेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर क्या वीडियो बनानी पड़ी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भैया जैसे देखो वो सक्सेसफुल बंदा है, पता नहीं हम कब ऊंची उड़ान भरेंगे। अब इस गैस के गुब्बारे को मैं किसी ईंट से बांध दूं तो क्या कभी ये आसमान की उड़ान भर पाएगा? नहीं। भरना चाहेगा भी तो जब भी ये ट्राई करेगा कोई ना कोई चीज इसे नीचे खींच लेगी। तो हम तो फिर भी इंसान है, अरे जब तक नीचे के लोगों से बंधा रहेगा, आदतों से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से बंधा रहेगा, आसमान की उड़ान कैसे भरेगा? लेट मी गेस, भाई ने रैंडमली सोचा कि टेरेस पे जाता हूँ एक गुब्बारा लेके, क्या पता कौन बैठा होगा, किसको मोटिवेशन की जरूरत, भाई तो गुब्बारा लेके घूमता होगा। गैस का गुब्बारा बाद में उड़ाना, पहले जो अंदर गैस भरा है ना, बदबू भरी है, उसको बाहर निकालना बंद कर। कितना बोलता है यार, शॉर्ट कॉन्टेंट के लिए बना है, उसमें भी तीन तीन पन्ने की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है लड़का। ये है एक रैंडम ब्रांड का 1 रुपए वाला शैम्पू का सैशे, बड़े वाली बॉटल। अब अगर कल को आप मार्केट जाते हैं तो इन दोनों में से किसको लेना प्रेफर करेंगे? बोटल। सस्ता भी पड़ता है, ज्यादा भी आता है। ये 1 रुपए का है, इसे 1 रुपए में आपको मिलता है 650 ml, तो 650 ml कितने का हुआ? 100 रुपए का। यहाँ आपको मिलता है 350 रुपए का। कभी कभार छोटी चीजें भी ज्यादा वैल्यू दे जाती है। इसका डोरेमोन का पॉकेट है क्या? गैस का गुब्बारा, शैम्पू सब निकल रहा है। भाई बोल रहा है जरूरी नहीं जो चीज बड़ी दिखे वो काम की हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। भाई तुम्हारा चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, कंटेंट अच्छा हो जरूरी नहीं है ना? बात तो सही है। यहाँ पे कुलदीप भाई फिर से गाड़ी लेके आज निकले मोटिवेशन बांटने। छोटू क्या कर रहे हो? बैठे हैं। क्यों? चुरी बैठी भाई। क्या कर रहे हो? बैठे है, दिख रहा नहीं है क्या तेरे को? अंदर क्या स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? स्कूल वाले अंदर आने नहीं दे रहे हैं। क्यों आने क्यों नहीं दे रहे? हमने फीस जमा नहीं कराई ना। क्यों? पापा क्या काम करते हैं? पापा ड्राइवर है, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया। तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? वो पापा को परेशान नहीं करना था। पापा को मालूम पड़ेगा ना तुम्हारी रैंडम मीटिंग के बारे में, और परेशान हो जाएंगे। सुबह से नहीं। चलो फॉर चेंज भाई ने मोटिवेशन की जगह पर खाना दिया। काजी की ठेली में पैसे कौन देते? तुम लोग बच्चे लोग किसी ने सिखाया नहीं? कोई आदमी अगर रस्ते पे आए तुमको चॉकलेट दे या मोटिवेशन दे तो नहीं ले लेगा। तो हिंदी और इंग्लिश में क्यों बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं करते? इधर ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2-11 हो जाए, वरना 5-7 खींच के दूंगा, 6-36 नजर आ जाएंगे और 32-32 बाहर आ जाएंगे। मैं भी इसको भी ना मैथ्स के लैंग्वेज में रोस्ट करता हूँ। कुलदीप सिंघानिया 1 in 1 crore मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है, जो कैनन 600D से 9:16 रेशियो में 1080p वीडियोस बना रहा है। क्या बात है? जो 60 सेकंड्स का शॉर्ट बना के 60 मिनट्स का क्रिंज दे देते, जिस वजह से फिलहाल उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन क्रिंज फैलाने की वजह से जल्दी उनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। हां जी,
ये ले मैथ्स का रोस्ट। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। अब कुलदीप के पास्ट के बारे में जिसको मालूम नहीं मैं बता दूं, कुलदीप भाई चैनल वी पे आते थे। ओके कुलदीप। हाँ जी सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। डिस्ट्रैक्शन करके एक शो पे ये शिप्राणी पहली बार वहां पे नजर आया गया था, फिर तो अब तक तो लोगों को अपने कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। गर्लफ्रेंड थी? थी। कितने साल पहले? ओए 5-6 साल। 5-6 साल पहले गर्लफ्रेंड थी? वो भी सर ऐसा थोड़ा टाइम पास में, जब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। गर्लफ्रेंड होती ना ऐसा फट करके जवाब देता, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है ना क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही बोल देता हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे कोई एक बार भी लाके बात, या मेरी ख्वाहिश है। आज से मोटिवेशनल कंटेंट बनाना बंद, कुछ ऐसा बताओ जिसमें ये पेट दिखे, पेट यही चलता है मार्केट में। तो खुश हो गया भाई मोटिवेशनल कंटेंट बनाना बंद कर रहे हैं। नॉट इंटरेस्टेड यार। ले वो अपना फोन छुपा रहा है आपसे क्योंकि उसके फोन में आपके वीडियोस है, तुम्हारे मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और उसे शर्म आती है। तुम्हें शर्म है कुछ? उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही उड़ें जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। मोटिवेशन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही दे। छोड़ो यार तुम दो ही मत। नहीं चाहिए 0% प्लीज। अगर भूले बिसरे आप इस मोटिवेशन से उड़ भी गए ना तो उधर ही रहना, आना मत वापस। मोटिवेशन से एक ही चीज उड़ रही है, आपकी इज्जत। खुश रह करो यार, किसी से मिलो तो भी खुश होकर मिलो ना। वैसे भी आपकी उदासी रोती हुई कद्दू जैसी शक्ल से भी किसी का भला तो हो नहीं रहा है। अब सोच लो अपने सब्सक्राइबर्स की शक्ल को कद्दू जैसी बोल रहे हैं, इससे खुश रहेंगे लोग? तो वही हो गया, स्काई डाइविंग करने के लिए फुल मोटिवेशन दो, कम ऑन कम ऑन जस्ट लेट इट ऑल गो, लेकिन फिर बिना पैराशूट के फेंक दो। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। एक तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है ना, परेशान हो चुका हूँ मैं। एक काम करना, आज घर पे जाना, 3 भगोने में पानी ले, एक में अंडा डालना, एक में आलू डालना और एक में कॉफी बीन्स। जो अंडा है वो हार्ड हो जाएगा, जो आलू है वो गल के खत्म हो जाएगा, और जो कॉफी बीन्स है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम आने पे आप रिएक्ट कैसे करते हो वो 100% आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स आने पे खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग और स्ट्रांग बन जाते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स आने से मत डरो, प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में और आएंगी। बॉइल्ड वाटर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स की तरह है। सही है भाई, मान गया, कुलदीप भाई को एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक है, इसलिए अपने करियर के साथ आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब अब बिना दर्द के भी दांत निकाल लेते? नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? डॉक्टर साहब आप बिना क्रिंज के भी वीडियोस बना लेते हो? मैं बना लेता हूँ। डॉक्टर साहब आप बिना लॉजिक के फिक्शनल कहानियां बना बना कर एक सांस में 200 वर्ड्स बोलकर जो कहानियां लोगों को पहले से पता है वो घुमा फिरा कर बता कर मोटिवेशन के नाम पे बेच सकते हो क्या? मैं बेच सकता हूँ। ये कितने का नोट है? 200। गुड, अब अभी भी 200। जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो मोड़ो दबाओ इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आप क्यों दब जाते हैं? गाइस ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम ना ही किसी से ज्यादा, तो आप क्यों दब जाते हैं? अरे भाई वो नोट है और हम इंसान, वो जिंदा चीज नहीं है, उसमें दिल नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, हम इंसान है, हमें फीलिंग्स होती है, हमें कोई कुछ बोलता है तो बुरा लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तुम नोट से कंपेयर कर रहे हो इंसान को। मैं भी किस नोट को समझा रहा हूँ यार, छोड़ो। तो इतना गुस्सा किस बात का है कुलदीप भाई? हो जाएंगे लोग मोटिवेट, तुम इतना लोड मत लो। एक काम करो, 200 रुपया फोल्ड किया है ना, वो 200 रुपया लो, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ एंड वहाँ पर ना किसी रेलवे स्टेशन पर एक इंस्पिरेशनल किताब खरीद लो। आई एम श्योर वो किताब तुमसे ज्यादा तो मोटिवेशन देगी। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो। ऐसे क्या देख रहे हो, अपनी अपनी किताबें निकालो, निकालो भाई, चलो बताओ इस गोलगप्पे और धरती में। अभी गोलगप्पा लेके आया यार, ज्ञान देने के लिए अपना पूरा घर का किचन खाली कर देता है क्या? सब खा गया, कुछ नहीं बचा। क्या समानता है गोलगप्पे और धरती में? क्या समानता है? सोचो सोचो, धरती और गोलगप्पे में क्या समानता है? सर नहीं पता, पूछो बगल वाले से पूछो। एक भी पूरी ठीक नहीं है, सब पूरी लीक हो रहा है तुम्हारी असलियत की तरह। तुमको पता है गोलगप्पे और कुलदीप भाई के कंटेंट में क्या समानता है? कुलदीप भाई का कंटेंट भी गोल 0 है, गोलगप्पे में 70% पानी होता है, कुलदीप भाई के कंटेंट में 70% क्रिंज है, गोलगप्पे के बगैर जीवन नहीं है, और कुलदीप भाई का कंटेंट कंज्यूम करो तो बचा कुचा जीवन उधर ही खत्म हो जाता है। अरे भाई नहीं लेना भैया, पेन नहीं चाहिए भैया, भैया एक लास्ट पेन बचा है, नहीं चाहिए। छोटे सुन। हाँ भैया। इंद्रा 5 का एक है भैया। देखा ना, एक काम कर, कल घर आ जा, 1000 पेन ले लूंगा। सच भैया? फटाफट एड्रेस लिख ले भैया, पेन देना एड्रेस लिखना। 5 रुपए, समझ में आया कुछ? सप्लाई एंड डिमांड,
अरे भाई जहाँ इस चीज की डिमांड होगी वहीं तो इस चीज को बेचेगा। सुन अभी मैं ब्रांड न्यू ज्ञान देता हूँ, समझ में आ रहा है? तुम धूम 7 के लिए चोर का ऑडिशन दे रहे हो और बेचारे से पेन लिया, उसको पेन का पैसा नहीं दिया, और फिर तुम किस एंगल से पैसा मांग रहे हो उससे वापस? साले वुल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट, सप्लाई एंड डिमांड, किसी दिन लोगों का माथा घुमा ना तुमको मारने के, ना जूतों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, उस दिन मैं जूतों का सप्लाई चेन खोलूंगा। हाथ कांप रहे थे, मेरे पांव धूज रहे थे, मेरी आवाज में आज जो दर्द है इससे 10 गुना ज्यादा दर्द उस दिन था, उस मोमेंट पे। ओके भाई अपने जो स्टॉक्स में भी गए मेरी तरह, और मेरे को समझ में नहीं है ये हर लाइन के बाद दूसरी लाइन स्लो क्यों बोलनी है। समझ रहा हूँ लाइन का इम्पैक्ट ज्यादा करना है, लेकिन ऐसे वो मेरी सूरत देख कर मेरी सीरत को अनदेखा कर गए। ट्रेन अहमदाबाद रुकी तो वो उतर गई, वडोदरा रुकी तो मैं उतर गया। कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी हर हारे हुए इंसान को एक मौका जरूर देती है। देखो लग रहा है कि कुलदीप भाई से मोटिवेशन लेने के पहले ना वो मोटिवेशन लेने के लिए किसी और से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। क्या ही बोल रहा है? अबे ये क्या मैसेज लिख के भेजा है तूने तेरी एक्स को? क्या? अबे उसने लिख के भेजा है आई मिस यू। तेरा क्या रिप्लाई गया है? आई मिस यू टू, हाउ हैव यू बीन। अबे वो तेरी एक्स है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने तुझे धोखा दिया था, उसने तुझे छोड़ दिया था। मान ले तू मेरी एक्स है, मुझे मैसेज भेज आई मिस यू। हाँ भेज दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा 7.5 बिलियन लोग बचे हैं, अब जाओ किसी और के इमोशंस के साथ जाके खेलो। दुनिया में मेरे अलावा 783.66 करोड़ लोग हैं, अब जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। I'm a rider, you're the roast। लोगों को रोटी कपड़ा मकान ये सब की तो जरूरत है ही नहीं आजकल, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस एक चीज की, जो हो तो बहुत कुछ हो जाता है, जो ना हो तो बहुत कुछ नहीं हो जाता है। और जो ये होने ना होने की एक बात है उससे बस एक चीज साबित होती है, जो है वो यही है और जो नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकता, समझे? That's it for today guys, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब, कुलदीप भाई को जाके एड मत देना, अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाके देख लेना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो मेरे को @Mahesh Keshwala, उधर भी अपन रील वील डाल रहे ले, मोटिवेशन तो नहीं दे रहे लेकिन डिप्रेशन दे रहे लोगों को रील से। That's it, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।